भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न केस में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अपना एक्शन तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम सोमवार रात बृजभूषण सिंह के लखनऊ और गोंडा के घर पहुंची, जहां दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के घर और उनके साथ काम करने वाले लोगों के नाम, पता और पहचान पत्र साक्ष्य के तौर पर जुटाए हैं। हालांकि इस पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की टीम वापस दिल्ली लौट गई है। अब तक दिल्ली पुलिस इस मामले में 137 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। आपको बता दें, कल ही ये जानकारी निकल कर आ रही थी कि शनिवार को पहलवानों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। पहलवान साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादयान ने इस बैठक की पुष्टि की थी। इस बैठक में पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और सत्यव्रत कादयान शामिल हुए थे। इस मीटिंग में अमित शाह ने पहलवानों को ये भरोसा दिया है कि ये पूरी जांच बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा। पहलवानों ने अमित शाह से बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी की। इस बैठक के बाद सोमवार को ये खबरें चलने लगी कि साक्षी मलिक ने आंदोलन से अपना नाम वापस ले लिया है और वो अपनी जॉब पर वापस लौट गई हैं। जिसके बाद इस खबर का खंडन करते हुए साक्षी मलिक ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में न हम में से कोई पीछे हटा है न हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कृपया कोई गलत खबर न चलाई जाए। हालांकि कल दिन ढलते ढलते ये बात भी साफ हो गई कि साक्षी मलिक के साथ साथ बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने भी अपनी रेलवे की जॉब ज्वाइन कर ली है। बता दें, पहलवान हरिद्वार प्रकरण के बाद से ही मीडिया से दूरी बना रखी थी, जिसके बाद सोरम और कुरुक्षेत्र में हुए खापो की पंचायत में भी वो शामिल नहीं हुए थे। रविवार को सोनीपत के मुंडलाना में भी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट नहीं आई थी। मुंडलाना में चडूनी की पंचायत में सिर्फ और सिर्फ बजरंग पुनिया ही शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि आज फैसला मत लो। इसके बाद से कई तरह के सवाल पहलवानों के प्रदर्शन पर उठाए जा रहे थे। बहरहाल अब दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के घर पर दबिश दे दी है और वहां से कुछ लोगों से पूछताछ भी कर ली है और उनके बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन के बाद अब ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अब बृजभूषण की जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है।